हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने बॉटल गर्ड यानी कि लौकी के पौधे की ग्रोथ का अपडेट। और ये आप देख सकते हैं कि मैं हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट से इसको ग्रो कर रहा हूँ, 70% कोकोपीट और 30% पर लाइट में। और आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो रहा है ये। और इस पौधे में जो फ्रूटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरह हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि लौकी है जो हार्वेस्ट के लिए रेडी है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं और भी जो लौकी है वो रेडी हो चुकी है हार्वेस्ट के लिए। काफ़ी सारे जो फ्रूट्स हैं वो आ रहे हैं। यहाँ साइड में देखेंगे तो आप और भी आपको यहाँ पर लौकी दिखेंगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हो चुकी है। और जहाँ तक फ्रूटिंग की बात है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये पॉलिनेट हो चुका है, ये भी अब लौकी में कन्वर्ट होगा। और इसके अलावा ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और आपको फ्रूट डेवलप होता दिखाई देगा। और जिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से मैं इसको फीड कर रहा हूँ, उसका जो न्यूट्रिएंट रेसिपी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। और इस प्लांट को मैंने सपोर्ट किया है बैम्बू के स्ट्रक्चर से, आप ये देख सकते हैं। एक लैडर या सीढ़ी की फॉर्म में मैंने इस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया है और इसकी मदद से इस प्लांट को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो मुझे इसका रिस्पांस मिला है, बहुत ही अच्छा मिला है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। जो फ्रूट्स मैं अभी तक हार्वेस्ट कर चुका हूँ उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रही है। और इसके अलावा मैंने इस प्लांट में किसी भी तरह की कोई 3G कटिंग या कोई प्रूनिंग नहीं की है। सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से मैंने जो पत्ते हैं वो तोड़ दिए ताकि जो एयर की सर्कुलेशन है वो अच्छी हो। उसके अलावा मैंने किसी भी तरह की कोई प्रूनिंग या कटिंग इसमें मैंने नहीं की है। इस पौधे को मैंने फ्रीली ग्रो होने दिया है और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और जहाँ तक 3G कटिंग की बात है, तो गाइज मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा कि जो फ्रूटिंग है वो किस तरह डिफरेंट करती है एक प्लांट में, अगर आप 3G कटिंग करते हैं और एक में अगर आप नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क होता है। उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा इसको अभी मैं जो फीड कर रहा हूँ वो दिन में 2 बार कर रहा हूँ। करीबन 3 लीटर पानी यूज़ होता है एक बार में, तो 6 लीटर डेली इसकी वाटर कंजम्पशन है। जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो इसको मैं दे रहा हूँ वो करीब 6 लीटर के करीब दे रहा हूँ दिन में, 3 लीटर सुबह और 3 लीटर शाम को। और इस वक्त ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है, फ्रूटिंग भी हो रही है, तो कंजम्पशन जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की है वो बहुत हाई है और इसलिए मुझे इसको 2 बार दिन में फीड करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको रस्सी की मदद से सपोर्ट देने की कोशिश की है क्योंकि ब्रांचेस काफ़ी इसकी निकल रही हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो कितनी ऊपर तक पहुँच गया है। और हालांकि मैं अपने गार्डन में ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ करता हूँ, पर इस प्लांट में मैंने हैंड वाटरिंग ही की है, मैंने कोई ड्रिप इरिगेशन यूज़ नहीं की है। और साथ में यहाँ पर आप एक और लौकी का पौधा देख सकते हैं जो मैं हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से ही ग्रो कर रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्लांट को मैं सिर्फ कोकोपीट में ग्रो कर रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह से कोई और मटेरियल मैंने मिक्स नहीं किया है, कोई परलाइट नहीं मिक्स की है, सिर्फ कोकोपीट है। और इसकी भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और ये देखिए यहाँ पर आप और भी जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमारे जो लौकी के पौधे में फ्लावर्स ड्रॉप हो जाते हैं, ब्लॉसम ड्रॉप हो जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता, तो उसका कारण जो मेनली वो लैक ऑफ पॉलिनेशन होता है। ये देखिए ये एक मेल फ्लावर है लौकी के पौधे का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेल फ्लावर को तोड़ लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर तोड़ लिया है और इसके बाद जो इसकी जो पेटल्स हैं यानी जो पंखुड़ियाँ हैं, मैं इसको तोड़ लेता हूँ कुछ इस तरह। अभी देख सकते हैं कि मैं एक एक करके जो इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो तोड़ लेता हूँ। और अब इसके सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलन होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पार्टिकल्स दिखेंगे कुछ बहुत ही फाइन, वो पॉलन होते हैं। और इस पॉलन को हमें फीमेल फ्लावर की जो सेंटर होता है वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। ये देखिए मैं इस तरह जो फीमेल फ्लावर है उसके जो पेटल्स हैं उसको खोल लेता हूँ और फिर जो ये जो मेल फ्लावर है इसको फीमेल फ्लावर के सेंटर में थोड़ा सा हल्का सा रब करता हूँ या जेंटली शेक करता हूँ उसके आसपास। आप रब भी कर सकते हैं, थोड़ा शेक भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, और उसके बाद मैं इस फ्लावर को वापस बंद कर देता हूं। तो इस तरह जो पॉलिनेशन है वो कंप्लीट होती है, इस तरह कर सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटे से पेंट ब्रश की हेल्प से भी ये सब कर सकते हैं, मेल फ्लावर से जो पॉलन है वो फीमेल फ्लावर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह करना चाहते हैं। और साथ में ध्यान रखिए जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनके पीछे एक छोटी सी लौकी होती है,
आप ये देख सकते हैं कि फ्लावर के बेस पे छोटी सी लौकी है। मैं एक और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी देखिए ये फ्लावर्स तो अब क्लोज हो चुका है लेकिन पीछे एक छोटी सी लौकी है। और आप मेल फ्लावर्स देखेंगे तो उनके पीछे कोई भी लौकी नहीं होगी। ये देखिए एक मेल फ्लावर है, यहाँ पर एक और मेल फ्लावर है। ये डिफरेंस है फीमेल और मेल फ्लावर में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर एक और फ्रूट डेवलप हो रहा है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है इसमें भी। ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइज़ ये था एक अपडेट मेरे लौकी के पौधों का जो मैं हाइड्रोपोनिकली ग्रो कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ, मैं एग प्लांट यानी कि बैंगन ग्रो कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं जो फ्रूटिंग है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। ये देखिए इसमें, ये मैं सॉइल लेस में ग्रो कर रहा हूँ यानी कि इसमें मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है 50% रेशियो में, 50-50, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें भी। जो हार्वेस्टिंग है वो मैं 2 या 3 बार कर चुका हूँ और अभी भी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरे गार्डन पे जो लौकी के पौधे हैं उन पर। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।